2023 में अहोई अष्टमी का व्रत कितनी तारीख को करना श्रेष्ठ रहेगा, साथ ही चंद्रोदय और जो तारे देखने का समय है वह कितने बजे तक होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसे कि अहोई अष्टमी का व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला कठिन व्रत है। निर्जला यह व्रत किया जाता है और इस व्रत को करने से कहा जाता है माँ पार्वती, महादेव और शाव माता सभी जीवन के कार्य सिद्ध कर देती हैं और संतान की खूब लंबी उम्र होती है, पति बच्चे सुख प्राप्त करते हैं और परिवार हमेशा फलता फूलता है। यह व्रत अपने आप में बहुत खास व्रत माना जाता है। अपने आप में यह व्रत कठिन भी है। ब्रह्म मुहूर्त में सब कार्य से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर आप सभी आपके यहाँ जैसा चलन है उस अनुसार पूजन करें। आप सभी जानते होंगे कई क्षेत्रों में अहोई अष्टमी माता की मूर्ति प्रतिमा सी पोस्टर भी आता है, उसका पूजन किया जाता है। दो घड़े रखे जाते हैं जिस पर जो है विशेष रूप से जो चांदी की बनी हुई माला होती है वह रखी जाती है, उसका पूजन किया जाता है और उसे धारण किया जाता है। यह चांदी के मनकों की माला संतान के लिए होती है और इसे जो है विशेष तौर पर संतान प्राप्ति और उसकी लंबी उम्र के लिए इस दिन धारण किया जाता है। शाम के समय जब तारे उदित हो जाए तो उन्हें अर्घ देकर अपना जल जो है संतान के हाथ से पानी पीना पीकर अपने व्रत को खोला जाता है। यह व्रत सब कामना सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। व्रत के जो संपूर्ण नियम होते हैं वह परिवार की कुल रीति के अनुसार बदलते रहते हैं। 2023 में नया व्रत शुरू करें या नहीं इस बारे में दुविधा है, क्योंकि इस वर्ष 2023 में मल मास अर्थात अधिक मास लगा था जिस कारण से बहुत शंकाएं जो है मन में पनपती हैं। तो सावन में अधिक मास लगा था तो सावन अब बीत चुका है और उस बात को काफ़ी समय हो गया है। हालांकि कई क्षेत्रों में कहा जाता है कि नया व्रत अधिक मास के साल भर में नहीं करना चाहिए, परंतु यह गलत धारणा है। सावन बीत चुका है, अधिक मास भी खत्म हो चुका है, तो व्रत करने में कोई बुराई नहीं है। नया व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरे मन से इस व्रत को शुरू करें और अपना जीवन सार्थक करें। देखिए, सब नए सिरे से काम हो रहे हैं, विवाह, गृह प्रवेश सब काम हो रहे हैं, तो नया व्रत शुरू करने में कोई दोष नहीं है। शास्त्र विधान कहता है कि उतने समय में जितना मल मास का समय हो, शुरू होने से खत्म होने तक नया व्रत शुरू नहीं किया जाता, उसके आगे पीछे कोई भी व्रत आप शुरू कर सकते हैं। तो 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत आप करें और पूरे विधि विधान से करें। अब 2023 में कब अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा इस बारे में जरूर से जान लीजिए। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है ना, 5 नवंबर 2023 को सुबह 12:59 से शुरू हो जा रही है, जो 6 नवंबर को सुबह 3:18 के आसपास समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि और अहोई अष्टमी जो व्रत करने के नियम बताए गए हैं उनके अनुसार 5 नवंबर 2023 को अहोई अष्टमी का व्रत उदया तिथि और तारे देखने के कारण किया जाएगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, 5 नवंबर को आपको व्रत रखना है। अब आप सभी जो है शुभ मुहूर्त भी जरूर से जान लीजिए। 5 नवंबर 2023 को रविवार हो रहा है। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त इस वर्ष 2023 में 5:33 से 6:52 के आसपास हो रहा है। ये सभी चीजें स्क्रीन पर दी हुई हैं। साथ ही तारे जो है आप सभी अर्घ देंगे तारों को देखकर। कई भक्त तारे देखकर व्रत खोलते हैं, कई भक्त जब चंद्रमा को देखकर खोलते हैं, तो तारे देखने का समय 58 मिनट के आसपास आप सभी को तारे दिख जाएंगे, तो तारे को देखकर अपने को खोल लीजिएगा। तारों का ही विधान कहा गया है। कई भक्तजन चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलते हैं, परंतु इस दिन चंद्रमा बहुत देर से उदित होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय रात्रि को 12:02 के आसपास होगा। 6 नवंबर को यह दिन होगा क्योंकि दूसरा दिन इस दिन से आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी तारों को देखकर ही, तारों की छाव में ही अपना व्रत खोलिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।